नमस्कार दोस्तों दोस्तों आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा स्टॉक लेके आया हूँ जो कि आने वाले समय में आपको बहुत अच्छा फायदा देने वाला होगा। जी हाँ दोस्तों, वह स्टॉक है यस बैंक लिमिटेड का। दोस्तों यस बैंक लिमिटेड का जो शेयर है वह शुक्रवार के दिन 14 रुपए 90 पैसे पर बंद हुआ है। अगर आप लोग चाहें तो अभी इसमें पोजिशन बना सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों यस बैंक लिमिटेड की बात की जाए तो यह एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है और यह बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री से रिलेटेड है। इसकी स्थापना 2004 में हुई थी, 17 साल पहले। इसके जो फाउंडर हैं वे राणा कपूर जी हैं, अशोक कपूर जी हैं। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। इसके प्रोडक्ट्स की बात की जाए तो जो इसके प्रोडक्ट्स हैं वे हैं क्रेडिट कार्ड्स, कंज्यूमर बैंकिंग, कॉरपोरेट बैंकिंग, फाइनेंस एंड इंश्योरेंस, मॉर्टगेज लोन्स, प्राइवेट बैंकिंग, वेल्थ मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। और दोस्तों इसका जो ओनर है वह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है और इसमें दोस्तों 18,000 से भी ज्यादा एम्प्लॉयज काम करते हैं। और दोस्तों अभी बजट में भी हमारे जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार में हमारी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी द्वारा बैंकों के लिए बहुत बड़ा ऐलान किया है, खास करके यस बैंक के लिए बहुत बड़ा ऐलान हुआ है, बैड बैंक की स्थापना की जाएगी। तो दोस्तों जो यस बैंक के जो बैड लोन्स हैं वो इस बैड बैंक को ट्रांसफर कर दिए जाएंगे मार्केट प्राइस पर, जिससे दोस्तों बैलेंस शीट एकदम क्लियर और साफ हो जाएगी। और दोस्तों हमारी जो वित्त मंत्री हैं श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, वे यस बैंक का रीस्ट्रक्चरिंग प्लान लेकर आई थी, क्योंकि दोस्तों यस बैंक की हालत बहुत खराब हो गई थी। राणा कपूर जी ने इस तरीके से लोन बांटे कि बैंक के जो लोन है वो रिकवर नहीं हो पाए टाइम से और बैंक की हालत खराब होती चली गई। तो हमारी जो वित्त मंत्री हैं श्रीमती निर्मला सीतारमण जी द्वारा रीस्ट्रक्चरिंग प्लान लाया गया। उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को बोला कि रीस्ट्रक्चरिंग प्लान लाएं यस बैंक के लिए। और दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यस बैंक के लिए वो रीस्ट्रक्चरिंग प्लान लाया। एफपीओ लॉन्च हुआ था 11 से 12 रुपए के बीच में, जो कि काफी सक्सेसफुल भी रहा। और दोस्तों अभी जो यस बैंक की जो शेयर होल्डिंग है उसमें दोस्तों जो बहुत बड़े बड़े दिग्गज बैंक हैं उन लोगों ने दोस्तों इसमें पोजीशन बनाई है। खास तौर पे दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के इसमें 30% की शेयर होल्डिंग है, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड की 3.99% की शेयर होल्डिंग है, एक्सिस बैंक लिमिटेड की 2.39% की शेयर होल्डिंग है, बंधन बैंक लिमिटेड की 1.2% की शेयर होल्डिंग है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड की इसमें 1.15% की शेयर होल्डिंग है। तो दोस्तों काफी बड़े बड़े दिग्गज बैंकों की दोस्तों शेयर होल्डिंग है। और दोस्तों अभी ये जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो शेयर होल्डिंग है वो लॉक इन पीरियड में चली गई है, क्योंकि पहले दोस्तों जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसने 2023 के लिए तक के लिए दोस्तों जिन लोगों ने पहले शेयर्स खरीदे थे उनके 75% शेयर लॉक इन पीरियड में है। तो दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने उसी टाइम पे इसका जो स्टैक खरीदा यानी कि इसने 10 से 11 रुपए के बीच में जो शेयर्स खरीदे हैं यस बैंक के, तो इसके 75% जो शेयर होल्डिंग लॉक इन में अभी भी है। और दोस्तों पहले जो राकेश झुंझुनवाला ने भी दोस्तों इसमें पोजीशन बनाई थी, हो सकता है कि राकेश झुंझुनवाला के भी दोस्तों अभी जो शेयर्स हैं लॉक इन पीरियड में ही होंगे और ये अनलॉक होंगे दोस्तों 2023 मार्च को। तो दोस्तों अभी भी बहुत समय है, बैंक यहाँ से अच्छी रिकवरी करेगा और जो भी लोन्स है दोस्तों उनकी रिकवरी बहुत ही जल्द होने वाली है। जो सीईओ हैं प्रशांत कुमार जी, उन्होंने बोला है कि जो भी बैड लोन्स हैं उनकी रिकवरी बहुत ही जल्द की जाएगी, वो भी अगले 5-6 महीने में बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट आने वाला है। तो यहाँ से दोस्तों बैंक में काफी अच्छी ग्रोथ होने वाली है। और दोस्तों अभी फंड रेजिंग भी होने वाले, ई वोटिंग जो अप्रूवल हुआ था वो भी दोस्तों किस प्राइस पर होने वाला है फंड रेज, ये भी बहुत जल्द पता चल जाएगा। और दोस्तों अभी आरबीआई ने जो एआरसी का सेटअप जो करना चाह रहे थे हमारे सीईओ यस बैंक के प्रशांत कुमार जी, की बैड लोन्स वहां पहुंच जाएं, तो उसको रिजेक्ट कर दिया है। क्योंकि दोस्तों इसलिए रिजेक्ट किया गया है कि ऑलरेडी जो हमारी वित्त मंत्री है श्रीमती निर्मला सीतारमण जी द्वारा बैड लोन्स का
जो बैड बैंक है उसकी स्थापना गठन का ऐलान किया है। तो एक सेपरेट जो यस बैंक अपनी ओर से बनाना चाहता था तो उसकी इजाजत नहीं दी गई है। तो उसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि यस बैंक लिमिटेड में जो लोन्स की रिकवरी है बहुत ही जल्द होने वाली है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का इसको पूरा सपोर्ट है। और अभी जो फंड रेजिंग भी होगा वो भी दोस्तों हायर प्राइस पर होने की संभावना है। तो यहाँ से दोस्तों स्टॉक प्राइस बहुत ऊपर जाने वाला है। और दोस्तों अभी अप्रैल में क्वार्टरली रिजल्ट भी आने वाला है जो कि काफी अच्छा आ सकता है। अभी जो पिछला क्वार्टरली रिजल्ट आया था उसमें 150 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। आने वाले क्वार्टरली रिजल्ट में और भी ज्यादा प्रॉफिट होने की उम्मीद है। तो यहाँ से इसका स्टॉक प्राइस बहुत ऊपर जाने वाला है। आप लोग चाहें तो अभी इस स्टॉक में पोजीशन बना सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों आप लोग यस बैंक लिमिटेड के स्टॉक को कैश में बाय कीजिए, उसके जो शेयर की डिलीवरी है वो अपने डीमैट अकाउंट में ले लीजिए। और दोस्तों आप इसको अगले 1 से 2 साल के लिए होल्ड कीजिए। दोस्तों अगले 1 से 2 साल में यह स्टॉक 91 रुपए तक जाता हुआ नजर आने वाला है। तो दोस्तों आप लोग चाहें तो अभी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, पोजीशन बना सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी लोग अभी मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं बहुत ही जल्द एक नए स्टॉक का वीडियो लेकर आऊंगा जो कि आप सभी लोगों के लिए और भी अधिक फायदा देने वाला होगा। तो वह वीडियो दोस्तों आप सभी लोगों तक बड़ी आसानी से पहुंच जाएगा। तो दोस्तों आप सभी लोग अभी मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।